डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 4.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 4.8 बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन इन डेली लाइफ, ठीक है, ये है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है कि अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय, यानी एक जो इंजीनियर है, तो मैकेनिकल इंजीनियर, वो व्हील्स के ऊपर वर्किंग कर रहा है। आपको याद है कि व्हील जो होते हैं वो सर्कल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब पहले व्हील का एरिया ए वन दे दिया, पाई एक्स स्क्वायर -6 पाई एक्स +9 पाई, एंड दूसरे व्हील का आपको एरिया दे दिया पाई एक्स स्क्वायर -10 पाई एक्स +25 पाई। अब आपको क्या फाइंड करना है कि हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ द व्हील्स, हमें दोनों व्हील्स के फाइंड करने हैं रेडियस। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि देखिए जो व्हील होता है, देखिए जैसे आपके पास ये एक व्हील आपके पास ये है और दूसरा व्हील आपके पास ये है, ठीक है, एक व्हील ये है, दूसरा व्हील आपके पास ये है। अच्छा, अब देखिए आपको याद होगा कि जो व्हील है, ये व्हील का सेंटर होता है, व्हील सर्कल की फॉर्म में होता है। अब सेंटर से लेके यहाँ तक सर्कमफेरेंस तक ये होता है रेडियस, ठीक है। इसका रेडियस जैसे R1 है और दूसरा व्हील इसका रेडियस आपके पास R2 है। ये इसका सेंटर है, ये मैं ए दे रहा हूँ, और जैसे यहाँ पर बी है, इसका सेंटर भी आपके पास O है। अब आपको याद होगा कि एरिया ऑफ अ जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल वो आपके पास था पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया आपके पास होगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, ये A1 है, और ये आपके पास जो A2 है ये आपके पास होगा पाई R2 स्क्वायर। तो बेसिकली हमें R1 और R2 फाइंड करना है, ठीक है। अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल आपके पास है A1 इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर -6 पाई एक्स +9 पाई। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से पाई आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो पाई आप कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा X² -6X+9। अब यहाँ इसके हम बनाएंगे फैक्टर, इन्हीं से हमने स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला लग रहा है कि वी नो दैट A² -2AB+B² ये इज इक्वल टू होता है A - B का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे जब हम फार्मूला बनाएंगे, देखिए आपके पास आ गया पाए, और फिर देखिए आपके पास A² + B² देखिए आपके पास 9, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, और दरमियान में देखिए आपके पास आता है -2AB, तो AX है, B आपके पास आ जाएगा 3। अब देखिए ये फार्मूला आपके पास बन गया है A² + B² A² - 2AB+B² तो ये पाई आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा X -3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया A1। अब आपको याद है कि अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए जो एरिया ऑफ सर्कल A1 होता है वो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। इसे आप 1 का नाम दे दें और इसे आप 2 का नाम दे दें। आप देखिए दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इक्वेटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए देयर फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई X - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब आप इक्वेट करेंगे, देखिए पाई से ये पाई कर देंगे, और ये R² देखिए आपके पास, ये आपके पास R² आ जाएगा X - 3 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज डेट X - 3 का हो, यानी R² इज इक्वल टू
आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे भी बल्कि अपना आर वन कर दें, ठीक है, ये आर वन। तो अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आर वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस, तो ये से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये भी से कैंसिल। आर वन आपके पास आ जाएगा, आर वन इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस माइनस। अब आपको पता है कि एरिया रेडियस कांट भी नेगेटिव, तो सिंस रेडियस कांट भी नेगेटिव, तो देयर फोर आपके पास देखिए आर वन आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 3। तो ये आपके पास आ गया पहले का रेडियस, जो पहला सर्कल है उसका रेडियस आपके पास आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ऑल्सो एरिया ऑफ सेकेंड रेडियस एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल, तो ये आपके पास है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स और प्लस 25 पाई, ठीक है। इसे भी हम बनाएंगे पाई आर, यानी पाई आर स्क्वायर बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए आपने पाई ले लिया कॉमन, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 25। अब इसे भी हम फार्मूला बनाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास आ गया पाए, ये देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दरमियान में माइनस 2 ab, ए आपके पास एक्स है, बी आपके पास 5 है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा पाए इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल A2 आ गया, ठीक है। इसे भी हम कर देंगे इक्वेट, ये इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, इक्वेटिंग A2 विद A2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको भी इक्वेट करेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर पाए, एन इसको भी इक्वेट कर देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए पाए आपके पास ये है और यहाँ पर पाए ये है, और फिर देखिए आपके पास ये आपके पास आ जाएगा R2, तो देयर फोर पाए आर स्क्वायर पाए R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाए और एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास ये आ जाएगा R2, आप डायरेक्ट कर सकते हैं एक्स माइनस 5, ये आपके पास आ जाएगा R2। वैसे इक्वेट कर लें या दूसरा देखें ना, यहाँ पे R2 पे R2 का स्क्वायर, जब यहाँ पे एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो अब यहाँ लिख लेंगे हैंस हैंस रेडियाई ऑफ द बोथ सर्कल्स आर, या व्हील, बाकी तो ये व्हील था, बोथ व्हील्स आर। अब देखिए आपके पास आया है कि A1 आपके पास आ गया था एक्स माइनस 3, ठीक है, वो आपके पास आ गया था एक्स माइनस 3, एंड A2 देखिए आपके पास आ गया एक्स माइनस 5। तो ये आपका दोनों व्हील्स के आपके पास आ गए हैं रेडियस, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी चाहें तो यहाँ पर व्हील लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर चाहें तो फर्स्ट व्हील, और यहाँ पर आप सेकंड व्हील लिख सकते हैं।
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि अब मशीन हैज टू स्क्वायर्ड शेप प्रेसर, एक मशीन है उसके जो है ना दो प्रेसर हैं, जैसे इसलिए हम प्रेस करते हैं उस शेप के, जैसे ही नहीं प्रेस करते उसे हम प्रेसर कहते हैं, जैसे हम ना इस्त्री से प्रेस करते उसको भी हम प्रेसर कहते हैं। तो अब मशीन हैज टू स्क्वायर शेप प्रेसर, यानी एक मशीन है उसके दो स्क्वायर शेप प्रेसर हैं विद एरियाज एक्सप्रेस बाय 25 मीटर स्क्वायर एंड 36 n स्क्वायर। उसका एरिया एक तो 25, एक प्रेसर का एरिया 25 मीटर स्क्वायर है और दूसरे का 36 n स्क्वायर रिस्पेक्टिवली है। डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर, यानी कि उनका जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस आ रहा है उससे जो प्रेशर बनता है वो रेक्टेंगुलर बनता है। ठीक है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर, हमें उसकी डायमेंशन ही रेक्टेंगुलर की फाइंड करें, लेंथ और ब्रेथ। अब देखिए इसको हम अब करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ द फर्स्ट प्रेशर, इसको हम A1 कह देते हैं और ये आपके पास दे दिया 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ द सेकेंड प्रेशर, अगर A2 है तो आपके पास 36 n स्क्वायर है। अब आपको कह रहे हैं कि जो इनका जो है ना, जो इनका जो डिफरेंस है, उनके एरियाज का जो डिफरेंस है वो रेक्टेंगुलर शेप बनती है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन जो आपका जो नेक्स्ट एरिया आता है, यानी जो एरिया आता है, यानी जो ए आता है, या आप लिख सकते हैं A2 - A1, दोनों जो प्रेशर्स हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में है उनका जो है ये आपके पास आ गया, यानी डिफरेंस वो बनता आपके पास रेक्टेंगल बनती है। ठीक है, अब एरिया इज इक्वल टू, देखिए A2 देखिए आपके पास है 36 n स्क्वायर और A1 आपके पास है 25 m स्क्वायर। अब आप इसे देखिए लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 6 n का होल स्क्वायर और ये 5 m का होल स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला यहाँ बन रहा है कि वी नो दैट A² - B² ये इज इक्वल टू A+B इंटू A-B। तो अब आपके पास देखिए आ जाएगा देयर फोर एरिया इज इक्वल टू 6 n + 5 m और फिर ये 6 n - 5 m। ठीक है, अब आपको याद होगा कि देखिए जो रेक्टेंगल है उसके एरिया, देखिए जो रेक्टेंगल आप बनाते हैं, ठीक है ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपके पास लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये आपके पास वेट है और ये भी आपके पास क्या है, वेट। ठीक है, तो ये आपके पास लेंथ है। अब आप यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। अब आप यहाँ पे देखें देयर फोर यहाँ लिख लेंगे, देखें इसको देखें ये आप ले लेंगे लेंथ और ये ले लेंगे आप वेट, तो देयर फोर जो डायमेंशन आपके पास आ जाएगी, देखें देयर फोर लेंथ आपके पास आ गई 6 n + 5 m और जो आपके पास देखें जो वेट था आ गया आपके पास 6 n - 5 m। तो देखिए ये आपके पास आ गई थी, अगर आप यह लिखना भी चाहें तो देखिए लेंथ आपके पास आ गई है 6 n + 5 m
ये भी लेंथ आपके पास 6n प्लस 5n, ठीक है ना। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और जो विड्थ आपके पास देखिए आ जाएगी 6n माइनस 5n, और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगी 6n माइनस 5n। तो ये आपके पास का आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गई डायमेंशंस। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर। एक मिसाइल एक टारगेट को हिट कर रहा है और ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है आपके पास ना, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दी हुई है आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ मिसाइल। आपने एक तो उस मिसाइल की स्पीड फाइंड करनी है, और दूसरा द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टू रीच द टारगेट, और दूसरा हमने फाइंड करना है कि टारगेट तक पहुंचने का टाइम क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि देखिए क्या होता है कि देखिए आपके पास ये एक रिलेशन होता है, ये डी होता है डिस्टेंस, देखिए डी होता है डिस्टेंस, और एस होती है स्पीड, और ये टाइम। देखिए ये होता है रिलेशन, डी है डिस्टेंस, एस है स्पीड, और टी है टाइम। इसमें एक रिलेशन होता है देखिए कि डी इज इक्वल टू एस टी, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि गिवन देखिए आपके पास ये है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मिसाइल, कवर्ड बाय मिसाइल ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है एस की। अब हम यहाँ लिख लेंगे लेट एस बी द स्पीड, टी बी द टाइम, ठीक है। यानी हमने एस ले लिया है, देखें एस हमने ले लिया है, स्पीड ले ली है, और टी हमने ले लिया है टाइम, ठीक है। अब आपने याद रखना फार्मूला देखिए होता है कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू एस टी, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, डी इज इक्वल टू देखिए एस। अब देखिए डिस्टेंस आपके पास ये है, देखिए डिस्टेंस हम यूँ लिख सकते, देखें कि एस टी इज इक्वल टू, हम यूँ अरेंज करके एस टी इज इक्वल टू डी। अब देखिए एस टी इज इक्वल टू डी, डी देखिए आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यूनिट आपका मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ इसके बनाएंगे फैक्टर, देखें एस टी इज इक्वल टू मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इंटू मीटर। अब देखिए आप यहाँ लिख देंगे कि एक्स यहाँ से कॉमन आ गया x+2, और यहाँ से 3 कॉमन x+2 आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास देखिए आ जाएगा x+2 और x+3, ये आपके पास आ गया एस टी। अब यहाँ पर देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि इधर जो है स्पीड है वो x+3, और हम यह सपोज कर लेते हैं कि इधर तो स्पीड है
वो आप सपोज कर लेते हैं एक्स प्लस टू, ठीक है ना। देखें यहाँ पर, देखें ना, ये एक्स प्लस टू यहाँ पे एस है, और यहाँ पर टी आपके पास एक्स प्लस थ्री है, और जो टाइम है वो हम सपोज कर लेते हैं टी इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और वाइस वर्सा हम कर सकते हैं। देखें, यानी ऑल्सो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ से जो स्पीड है, क्योंकि हम इस फैक्टर्स को हम यूं भी लिख सकते हैं, देखिए अगर चाहें तो। देखें ना, यहाँ देखिए एस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो एस टी देखिए यूं भी आ सकता है। तो यहाँ से देखिए स्पीड आपके पास आ जाएगी, स्पीड एस इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, और यहाँ से जो टाइम आपका टी है वो आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ सकता है, ठीक। या लिख सकते हैं ऑल्सो वाइस वर्सा, ये लिख सकते। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।